Hello Classic, how are you? You are fine. Okay. So last video lecture में हम लोगों ने crop production and management chapter start किया था. उसमें some basic practices of crop production. इसको हमने short में आपको बताया. Okay? कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या क्या प्रैक्टिसेस करनी पड़ती हैं, क्या क्या काम फार्मर्स को करने पड़ते हैं. ओके, इन सारे प्रैक्टिसेस को हम डिटेल में आज पढ़ेंगे. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू ऑल द प्रैक्टिसेस सच एज नंबर वन सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल. ओके, नंबर टू प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. इसमें थ्री स्टेप्स होंगे, प्लगिंग, लेबलिंग एंड मैन्योरिंग. ओके, नंबर थ्री सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग, बीजों का सिलेक्शन करना और उनको बोना. नंबर फोर इरिगेशन, सिंचाई करना. इसमें दो मेथड होंगे, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड. नंबर फाइव एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स, फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स मिलाना. नंबर सिक्स प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, वीड्स से फसल को कैसे बचाना है. नंबर सेवन प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस, डिजीजेस से बीमारियों से कैसे बचाना है. नंबर एट हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग, फसल की कटाई करना, उसकी थ्रेसिंग करना. और सबसे लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, किस तरीके से फूड ग्रेन्स को स्टोर करना. Okay. तो इसमें हम आज सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग और इरिगेशन, ये फोर प्रैक्टिसेस, फोर जो टर्म्स हैं इनको समझेंगे. बाकी के एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस एंड हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, ये नेक्स्ट वीडियो. ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं. सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल. तो फॉर हेल्दी क्रॉप्स इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सिलेक्ट नेचर, सिलेक्शन ऑफ लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल. ओके, तो इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल द फील्ड शुड बी ओपन, क्योंकि एक हेल्दी क्रॉप के लिए एयर, सनलाइट ये प्रॉपर मात्रा में चाहिए. इसके लिए सबसे पहले हमें लोकेशन देखनी है कि लोकेशन ऐसी हो जहां पर बहुत अच्छे से एयर, सनलाइट कंप्लीट मिल सके. उसके बाद नेचर ऑफ सॉइल, सॉइल की टेस्टिंग बहुत जरूरी है. कोई भी क्रॉप उगाने से पहले हमें सॉइल का नेचर जानना बहुत जरूरी है कि किस नेचर की सॉइल में कौन सी क्रॉप हो सकती है. ओके, तो लोकेशन एंड नेचर ऑफ सॉइल में, हाँ ये भी है, जो फील्ड है, अ फील्ड शुड बी फेंस्ड. ओके, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि फसलों को खा सकते हैं, इसलिए जो फील्ड है वो पूरा फेंस्ड होना चाहिए. चारों तरफ से उसे तार या कांटेदार जो तार होते हैं उनसे उसको फेंस्ड करना चाहिए, जिससे कि जो आवारा पशु हैं वो उसमें एंटर ना कर पाए. ओके, चलिए अब हम बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. तो इसके लिए सबसे पहले प्लगिंग, लेबलिंग, मैन्योर. तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज प्लगिंग. ओके, द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लगिंग. ओके, जिसे हम बोलेंगे कि खेत की जुताई करना. एक्चुअली इसमें होता क्या है कि मिट्टी को हम लूज बनाते हैं. ओके, उसे टर्न करते हैं जिससे कि नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए. ओके, तो ये इसके दो मेथड हैं. एक है कि जो एनिमल्स ड्रिवन
दूसरा ट्रैक्टर ड्रिवन। एनिमल्स ड्रिवन क्या है, जो प्लग्स होते हैं वो आयरन या वुड के बने होते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या होता है कि ये जो एनिमल्स होते हैं वो उस प्लग को जो है ड्राइव किया जाता है उनके द्वारा, और जो मॉडर्न मेथड है जो मशीनरी जब से आई है तब से ट्रैक्टर ड्रिवन। ट्रैक्टर ड्रिवन से क्या होता है, टाइम बचता है और लेबर भी बचती है। ओके, इसके बाद लेवलिंग। तो लेवलिंग के लिए एक लेवलर होता है, वो आयरन का भी हो सकता है वुड का भी हो सकता है। तो प्लगिंग करने के बाद और पूरी जो सॉइल है उसको हमें लेबल करना होता है, उसके लिए लेबलर वुड का भी हो सकता है एंड आयरन का भी हो सकता है। तो उसके द्वारा जो क्रॉप है सॉरी सॉइल है उसको हम लेबल कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर दैट मैन्यूरिंग। तो उसके बाद जब ये सारे काम हो जाते हैं प्लगिंग लेबलिंग, उसके बाद उसमें मैन्योर मिलाया जाता है। तो मैन्योर मिलाने के बाद वो फिर से उस पूरी सॉइल को लेवल कर दिया जाता है। इस तरीके से दी जाती है स्टेप्स टू प्रिपेयर द सॉइल, प्लगिंग लेबलिंग मैन्योरिंग। ओके, तो आफ्टर दीज स्टेप्स द सॉइल इज प्रिपेयर फॉर सोइंग। ओके, इसके लिए नंबर 3 सिलेक्शन ऑफ सीड्स एंड सोइंग। अब सीड्स का सिलेक्शन, एक्चुअली हेल्दी सीड्स ही हेल्दी क्रॉप्स दे सकते हैं। ओके, तो आफ्टर द फील्ड इज प्रिपेयर सीड्स आर सिलेक्टेड। ओके, तो सीड सिलेक्शन के लिए गुड क्वालिटी के सीड्स होनी चाहिए, डिजीज फ्री होने चाहिए। ओके, हेल्दी सीड्स हमने सिलेक्ट कर लिए, उसके बाद उसे हमें फील्ड में सॉइल में सो करना है। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, दो मेथड हैं, एक ब्रॉडकास्टिंग मेथड है। ब्रॉडकास्टिंग में क्या होता है कि हम सीड्स को हाथ से फेंकते हैं फील्ड में। ओके, लेकिन इस मेथड में थोड़ी सी डिफिकल्टी ये है कि कहीं पर जो सीड्स हैं वो ज्यादा गिरते हैं, कहीं पर कम गिरते हैं, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, तो दूसरा जो मेथड है वो है बाई सीड ड्रिल। सीड ड्रिल क्या है, ये मशीनरी है जिसमें हम जो सीड्स हैं उनको फिल करते हैं और जो रो होती है रो के थ्रू वो पाइप्स के थ्रू और सीड्स पर्टिकुलर एंड प्रॉपर प्लेस पे गिरते चले जाते हैं और उनके ऊपर जो सॉइल है वो आ जाती है, जिससे कि जो सीड्स हैं उनका डैमेज होने का जो खतरा है वो कम हो जाता है। ओके, ओके, नंबर 4 इरिगेशन। इरिगेशन, हमने सीड्स सेलेक्ट कर लिए, उन्हें सॉइल में बो दिया, उसके बाद बात आती है कि फॉर ग्रोथ ऑफ सीड्स वाटर इज नीडेड। वाटर नीडेड जब होगी तब हमें इरिगेशन करना पड़ेगा। हियर आर टू मेथड्स, ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। ये परंपरागत हैं जो हम बहुत पुराने समय से यूज करते हुए आ रहे हैं, और ये मॉडर्न मेथड हैं जो कि आजकल हम यूज करते हैं। तो मैं पिक में इन मेथड्स को आपको दिखाता हूं। ओके स्टूडेंट्स, दीज आर पिक्स फॉर ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन। ओके, तो नंबर 1 पे है ट्यूबवेल मेथड। एक्चुअली ट्यूबवेल से वाटर निकलता है और एक लाइन बना दी जाती है फील्ड में, जिसके थ्रू वाटर पूरे फील्ड में फैल जाता है। ओके, ये स्विंगिंग बास्केट मेथड है। टू फार्मर्स या टू मैन हैं जो बकेट को या इस बास्केट को और स्विंग करते हुए वाटर फिल करते हैं और इधर थ्रो करते हैं। ओके, ये वाटर व्हील मेथड है। ये व्हील कंटिन्यू रोटेट करता है और इसमें बकेट लगी होती हैं जो वाटर को फिल करके लाती हैं, इधर एम्प्टी उसे खाली करती हैं। ओके, ये ढेकली मेथड है जिस पर यहाँ पर एक वेट लटकाया गया है और ये वेट को लूज करने पर
ये अंदर जाता है और वॉटर फिर बाहर आता है, ठीक है। दिस इज मोट, ओके। इसको यहां पुली पर ड्रॉ किया जाता है वॉटर को, और ये रहेंट मेथड है जिसमें ये एनिमल है और बेल के थ्रू यहां इस तरीके से ये रोटेट करता है और वॉटर फिल करके और फील्ड में और आता है, ओके। तो दीज आर ऑल ट्रेडिशनल मेथड एंड नाउ दीज आर मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ओके। दिस इज स्प्रिंकलर सिस्टम, ओके। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है कि ये यहां पर नोजल लगे हुए हैं, वॉटर इन पाइप्स के थ्रू इनमें पहुंचता है और यहां पर इन नोजल से वो फुहारे की तरह, स्प्रिंकलर की तरह और पूरे फील्ड में बारिश की तरह ऊपर से गिरता है, ओके। ये ड्रिप मेथड है और ये उस जगह पे काम आता है जहां वॉटर की कमी होती है, ओके। यहां से क्या होता है कि वॉटर इन पाइप्स के थ्रू प्लांट्स के रूट्स में बूंद बूंद करके गिरता है, ओके। एंड दिस इज लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम, इसमें वॉटर और मशीन से ऊपर ड्रॉ किया जाता है, ओके। तो आई होप कि आपको इरिगेशन के ये ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। तो आज इतने ही हम प्रोसेसेस समझेंगे, बाकी के प्रोसेसेस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।